This was the external pressure, ठीक है, and this was the original boiling point of the solvent. So this is what we had discussed about the boiling point. Now, let us discuss about something called the freezing point, ठीक है. So what is freezing point? So, point where the state changes from? From? And what about solid to liquid? What is freezing point or melting point? Ek important baat, freezing or melting point same hota hai. What is it? मैंने एक ड्रॉप लिक्विड वाटर को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया. लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -168 डिग्री सेल्सियस. नाउ विल दैट लिक्विड ड्रॉप ऑफ वाटर चेंज टू सॉलिड और नॉट? विल इट चेंज और नॉट? सो विल द फ्रीजिंग पॉइंट बिकम्स -168 डिग्री सेल्सियस? एंड आई टेक अ पीस ऑफ आइस एंड प्लेस इट इन बर्निंग कोल. The temperature would be something like 1000 degrees. So will that become the melting point? So what is the melting point? Both solid and liquid. Coexistent. That's it. Solid or liquid ka sirf ek equilibrium temperature hota hai. Gas, liquid or gas ka, vapor ka, koi bhi equilibrium temperature ho sakta hai. Har samay vapor or liquid equilibrium mein hote hai, kisi bhi closed container mein. Lekin liquid or solid sirf ek temperature pe equilibrium pe hote hai, and that temperature is called the melting point or the freezing point. By definition, melting point is the temperature that at which the solid and liquid state of a substance coexist in equilibrium. That is termed as the melting point or freezing point. Is that clear? Achha, ab ek concept mein soch raha tha. Theek hai? अब सोचते जहां है वो वहीं बैठा हुआ सोच रहा था सोचते सोचते लगा कि आखिरकार कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट क्यों होता है? व्हाई वुड इट कन्वर्ट? ठीक है, फिर सोचा कि लिक्विड की मॉलिक्यूल की एक एस्केपिंग टेंडेंसी होती है. अब सॉलिड के मॉलिक्यूल की भी एक एस्केपिंग टेंडेंसी होगी. ठीक है, तो अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी लिक्विड के मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा हो गई तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और अगर लिक्विड की एस्केपिंग टेंडेंसी सॉलिड से ज्यादा हुई तो लिक्विड सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा. मतलब कि यहां पर दो स्टेट्स हैं सेम सब्सटेंस की, एंड वी आर कंपेयरिंग देयर एस्केपिंग टेंडेंसीज. देखो, मैंने बड़ा इलॉजिकल सी चीज सोची थी, तुम्हें लगता है कि कोई लॉजिक है इसमें? मेरे पास सॉलिड है और लिक्विड है. अब सॉलिड और लिक्विड दो सब्सटेंसेस के सिर्फ नाम है. एक सब्सटेंस ये रखा हुआ, इसका नाम है सॉलिड. एक सब्सटेंस ये रखा हुआ, इसका नाम है लिक्विड. ये दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है. अब यहां पे लिक्विड में से एक मॉलिक्यूल है जिसकी एक पर्टिकुलर एस्केपिंग टेंडेंसी है. ये सॉलिड है, इसके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से इसकी भी एक एस्केपिंग टेंडेंसी है. अब इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा हो गई,
तो सॉलिड लिक्विड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा. ऐसा नहीं है कि लिक्विड सॉलिड की तरफ मूव नहीं करेगा, लेकिन सॉलिड लिक्विड की तरफ ज्यादा मूव करेगा क्योंकि इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है. एस्केपिंग टेंडेंसी इज एस्केपिंग टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल टू मूव अवे फ्रॉम द पर्टिकुलर सब्सटेंस. मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री फ्रेंच जर्मन की नहीं, ना ही किसी की बात कर रहा हूं. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक पार्टिकल सब्सटेंस है, इसके अंदर मॉलिक्यूल की एक एस्केपिंग टेंडेंसी है, उसको निकलने की टेंडेंसी, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेंडेंसी है. ये दो सब्सटेंस है कॉन्टैक्ट में, इसके मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी इसके मॉलिक्यूल से ज्यादा है, तो यहां से नेट मॉलिक्यूल का मूवमेंट शुरू हो जाएगा ना, ठीक है, इज इट क्लियर. और इसी तरीके से जहां इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो गई तो इस डायरेक्शन में फ्लो ज्यादा हो जाएगा. सराउंडेड है, लिक्विड सॉलिड में ही जा सकता है, सॉलिड लिक्विड में ही जा सकता है. ये दो सिस्टम है एक साथ रखे हुए मैंने, इट्स समथिंग लाइक टू सिस्टम्स आर इन कॉन्टैक्ट. जैसे हम हीट की बात नहीं करते, दो सिस्टम को कॉन्टैक्ट में रख दिया, बाकी हमने सब कुछ फॉरगेट है. तो या इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा, ये एक दूसरे की सराउंडिंग्स है, ठीक है. देखो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक तो इसमें इस एग्जाम्पल में दिक्कत मुझे नहीं लगती, आपको कोई लगती है क्या? तो नॉन आइडियल ले ले, क्या दिक्कत है? पार्ट वही अटैच में कॉन्टैक्ट में है, अगर किसी और जगह कॉन्टैक्ट करेगा, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास लिक्विड है तो उसके पास दो ऑप्शन है, सॉलिड में एस्केप कर सकता है या गैसेस में एस्केप कर सकता है, दो ही पोजिशन है ना. अगर मैं बल्क की बात करूंगा तो बल्क में तो गैस में नहीं जाएगा ना. अगर मैंने एक सॉलिड को लिक्विड में डिप कर रखा है तो लिक्विड का मॉलिक्यूल सॉलिड में जा सकता है, सॉलिड का मॉलिक्यूल लिक्विड में जा सकता है, लेकिन हाँ सॉलिड का वेपर में भी जा सकता है. अगर सरफेस पर है तो लिक्विड का भी वेपर में जा सकता है, वो तीन चीजों के इक्विलिब्रियम है, सॉलिड लिक्विड वेपर, कोई भी कहीं पर भी जा सकता है. फिलहाल हम सॉलिड लिक्विड की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, जिसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है. तो सॉलिड विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव टू द लिक्विड एंड लिक्विड विल हैव द टेंडेंसी टू मूव टू द सॉलिड. लिक्विड की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो वो सॉलिड की तरफ मूव करेगा, सॉलिड की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो वो लिक्विड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? और अगर सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी बराबर हो गई तो ऐसा तो है नहीं कि एस्केपिंग रुक जाएगी, उस केस में लिक्विड विल बी कन्वर्टिंग इनटू द सॉलिड एंड सॉलिड विल बी कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, बट द कन्वर्जन अमाउंट वुड बी द सेम. जितना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उतना ही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, सो दैट द नेट कन्वर्जन इज जीरो. द मास ऑफ द सॉलिड एंड द मास ऑफ द लिक्विड विल बिकम अ कॉन्स्टेंट, मास वुड बिकम अनचेंजिंग. लेकिन अगर आपने मान लीजिए आइस क्यूब पानी में डाल रखी है तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद वो क्यूब के एजेस गायब हो जाए, इट विल गेट अ डिफरेंट शेप, बट द मास वुड रिमेन अ सेम. इक्विलिब्रियम इज डायनामिक एंड इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड. सो आई कैन से दैट व्हेन द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट और द मेल्टिंग पॉइंट. सो आई कैन से दैट freezing point or melting point is a temperature at which the escaping tendency of the molecules from the solid and liquid are equal to each other. बोल सकता हूं? देखो ये कंसेप्ट मैंने आज सुबह सुबह सोचनालय में बैठ के बनाया है, तो मैंने बनाया है, किसी किताब का नहीं है, तो इट इज ओपन टू स्क्रूटनी. थिंक ओवर, लॉजिकली कोई गड़बड़ सोच लो. रेट किस चीज का? तो जब रेट सेम होगा तभी तो मास में चेंज भी सेम होगा. कंसंट्रेशन इक्वल है, हाँ मास इक्वल जाएगा.
तो रेट चेंज होता क्या बेटा, रेट क्या होता है, मास कन्वर्टिंग पर यूनिट टाइम, दैट इज द रेट, वो तो सेम होगा ही ना। सो आई हैव क्रिएटेड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। The melting or the freezing point is the temperature at which the escaping tendency of the molecules from the solid to the liquid and liquid to the solid are equal. Or ya fir main ye keh sakta hu seedhi seedhi bhasha mein, the temperature at which the escaping tendency of the molecules from the solid and from the liquid are equal. कोई दिक्कत? मैं ट्रिपल पॉइंट कब बोला? फिर फालतू की कंसेप्ट घुसा रहा बीच में, क्यों कोरिलेट कर रहे हो? मैं ट्रिपल पॉइंट छोड़ दो, बाहर में गया ट्रिपल पॉइंट, या छोड़ बंद कर दे, सॉलिड लिक्विड भूल जा, सॉलिड लिक्विड भूल जा। यहां पर एक कंटेनर है, ठीक है, यहां पर एक पार्टीशन है, ठीक है, यहां पर एक सिस्टम है, सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने सॉल्यूशन नहीं, ये पार्टीशन क्रिएट कर रखा है, कोई मैंने फिजिकल पार्टीशन नहीं डाला होगा, ठीक है। नाउ ये सॉल्यूशन किसी भी चीज का हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये किसी भी चीज का हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। यहां से पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहां से पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। Now I find that the number of particles moving from A to B is equal to from B to A. Particles का number बराबर हो गया है, clear? Particles B को छोड़ के A में जा रहे हैं, तो particles का escaping from B to A, A को छोड़ के B में जा रहे हैं, so they are escaping from A to B. ठीक है, इसकी एक escaping tendency है, इसकी एक escaping tendency है, दोनों का नंबर बराबर हो गया, मतलब कि दोनों की एस्केपिंग टेंडेंसी बराबर हो गई। अब इस सिस्टम में नेट चेंज जीरो हो जाएगा, यही है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाई डू यू हैव टू रिलेट टू समथिंग एल्स, व्हाई? इसमें कोई रिलेशन की जरूरत है नहीं, तो कितना, एक ए का नाम है लिक्विड, बी का नाम है सॉलिड, क्या दिक्कत है? ऑफ कोर्स होगी, मैंने ऐसा नहीं कहा, हाँ एस्केपिंग टेंडेंसी से है, क्या दिक्कत है इसमें बताओ? ये तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, आई डोंट केयर अबाउट इट। यहां से इसके अंदर जितने जा रहे हैं, इसमें से इतने जा रहे हैं, ठीक है, इस ए का नाम लिक्विड है, बी का नाम सॉलिड है, ठीक है, तो जितने बी से ए में जा रहे हैं उतने ए से बी में जा रहे हैं, तो ए का मास और बी का मास कांस्टेंट हो गया, अनचेंजिंग हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, और जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्यों सर, वो 4 डिग्री सेल्सियस में तीनों कोई भी स्टेट कर, मैं तीनों की बात ही नहीं कर रहा, तो सर सॉलिड और लिक्विड भी तो करते होंगे, मतलब एक मिनट, मैं दो की बात कर रहा हूं। ट्रिपल पॉइंट इज नथिंग बट इट इज नॉट दैट इट इज नॉट अ मेल्टिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट इज अ मेल्टिंग पॉइंट विच इज द बॉइलिंग पॉइंट एज वेल। मेल्टिंग पॉइंट नेसेसरीली डजंट हैव टू बी ट्रिपल पॉइंट। अगर मैं यहां पे गैस की भी बात कर रहा होता तब मैं ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहा होता, मैं यहां पे गैस की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम किसके बीच में, एक लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम सिर्फ एक टेम्परेचर पे होता है, एंड दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट, और किसी टेम्परेचर पे होता ही नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ये मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है।
तो अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं और ये एक मेल्टिंग पॉइंट है, तो दो अलग अलग चीजें थोड़ी ना है. व्हाई आर यू स्टिकिंग विद द ट्रिपल पॉइंट? व्हाई? मैंने तो ट्रिपल पॉइंट बोला ही नहीं था. बस बट मेल्टिंग पॉइंट पर भी होते हैं, ट्रिपल पॉइंट में गैस भी होता है. यहां पे गैस नहीं है, फिर मैं ट्रिपल पॉइंट कैसे बोल दूं? क्या हुआ योगेश, दिक्कत क्या है इसे मेल्टिंग पॉइंट बोलने में? खुद नहीं सोच पाओगे, भूल जाओ. क्योंकि अगर तुमने खुद सोचा, अगर तुम सोचो खुद सोचना है तो मत सोचो, जो बोल रहा हूं याद कर लो. क्या फायदा है? यू आर नॉट सपोज टू डू द PhD इन केमिस्ट्री. ठीक है, तुम्हें BSc करनी नहीं है तो सोच के क्या करना है? एग्जाम में ये क्वेश्चन आना नहीं है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, क्यों सोचोगे फिर? फालतू टाइम है नहीं. तो अभी सोचना है सोच लो, अभी जो बात करनी है कर लो, उसके बाद भूल जाना. इट इज नॉट सपोज टू बी पॉन्डर्ड. मेरे लिए पॉन्डर करना ईजी है, मेरे लिए पॉसिबल है, मेरे लिए ठीक भी है, बिकॉज आई एम द टीचर. तुम्हारे फालतू के सवालों का जवाब मेरे पास होना चाहिए, मेरे फालतू का जवाब तुम्हारे पास नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? ओके, तो अभी सोच लो जो करना है. आई एम कॉलिंग इट द मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज बाय डेफिनेशन दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट. तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, बाय डेफिनेशन दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट. द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट आर कोएग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. And I say they coexist in equilibrium with each other because the escaping tendency of the particles from the solid match the escaping tendency of the particles from the liquid. That is why they are in equilibrium with each other. Equal particles escape current, so escaping tendency same hai. ठीक है? The escaping tendency from a substance is termed vapor pressure. वेपर प्रेशर जब डिफाइन किया तो हमने यही बोला था ना, वेपर प्रेशर इज द मेजर ऑफ एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल्स. तो यहां पर भी एस्केपिंग टेंडेंसी को मैं वेपर प्रेशर से डिनोट कर सकता हूं. सो आई कैन सिंपली से दैट द मेल्टिंग पॉइंट और द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड. क्या हुआ? वेपर प्रेशर का एक्सटर्नल प्रेशर से कोई लेना देना होता है? फिर सो राइट द डेफिनेशन. और ये मैंने नहीं बनाई. द फ्रीजिंग और द मेल्टिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग और द मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of the solid is equal to the vapor pressure of the liquid. ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस बात में? अब इसमें एक बहुत ही पिक्यूलियर बात है. हमने एक क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लिखी थी, उसमें हमारे पास एक डेल्टा एच था. लिक्विड के लिए वो डेल्टा एच वेपराइजेशन था, सॉलिड के लिए वो डेल्टा एच सब्लिमेशन था. सब्लिमेशन एनर्जी वेपराइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, होगी नहीं है, क्योंकि सब्लिमेशन एनर्जी के अंदर फ्यूजन और वेपराइजेशन दोनों है. ठीक है, तो जो सॉलिड का कर्व होगा वो स्टीप होगा एज कंपेयर टू लिक्विड. दोनों कर्व्स का स्लोप सेम नहीं होगा. ठीक है, तो अगर मैं सॉलिड का कर्व बनाता हूं तो सॉलिड का कर्व टेम्परेचर के साथ कुछ ऐसा जाएगा. दिस इज द कर्व ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड. ठीक है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड. कोई प्रॉब्लम? ये पॉइंट है जिस पर सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम है.
And obviously, by definition, this temperature is the freezing point. Is it clear? Any confusion? This temperature ke above, the vapor pressure of the solid is higher than the vapor pressure of the liquid. The escaping tendency of the molecules from the solid is higher than the escaping tendency from the liquid. So, beyond this temperature, the solid doesn't exist. Wo sara ka sara liquid mein convert ho jata hai. Theek hai? Below this temperature, the escaping tendency from the liquid is higher as compared to the solid. So, the liquid doesn't exist. Wo sara ka sara solid mein convert ho jata hai. Is that clear? Koi confusion? Koi problem? Theek hai na? Ab ye freezing point hai. Ab main khelta hu usse. Khelna kaise hai? Aap vapor pressure ko change nahi kar sakte. Wo aapke haath mein hai hi nahi. Wo to temperature dependent hai. Theek hai? To aap freezing point ko change nahi kar sakte. So what you do, आप एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर देते हैं. आप एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करते चल जाते हैं. लेट अस से आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते हैं और कम करते 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 आप एक्सटर्नल प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड एट फ्रीजिंग पॉइंट पर ले आते हैं. एक्सटर्नल प्रेशर को, ठीक है? तो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते 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 इस पॉइंट पर लेकर आ जाएं, नाउ दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर. एट दिस पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड द एक्सटर्नल प्रेशर हैव बिकम इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, अब डेफिनेशंस की बात करते हैं. द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड आर इक्वल टू ईच अदर इज टर्म्ड द मेल्टिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज टर्म्ड द बॉइलिंग पॉइंट. नाउ दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन आर सच दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर. So here, the melting point and boiling point coincide. ठीक है? This will be a temperature in which the solid, liquid and the vapor phase will coexist in equilibrium and it will be the boiling point as well as the melting point. इस temperature को triple point कहते हैं. तो triple point is not just the temperature. The triple point is a temperature and pressure condition. तो ट्रिपल पॉइंट में सीधा टेम्परेचर डिफाइन करके छोड़ दोगे वो नहीं आएगा और ट्रिपल पॉइंट 4 डिग्री नहीं होता. ट्रिपल पॉइंट 0.15 डिग्री सेल्सियस है. तो प्रेशर पे डिपेंड करता है. ऑफकोर्स प्रेशर भी है. प्रेशर इज समथिंग लाइक 4 mmHg. मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वेरीफाई कर लेना. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज नॉट जस्ट द टेम्परेचर, इट इज नॉट जस्ट द प्रेशर, इट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ मेंशन्ड. इज इट क्लियर? ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है ही है, हमने बॉइलिंग पॉइंट को उसके बराबर कर दिया क्योंकि हमने एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया. इज इट क्लियर? नाउ यहां तक तो हम ले आए, चलो एक और खेल करते हैं. एक्सटर्नल प्रेशर को इससे भी कम कर देते हैं. एक्सटर्नल प्रेशर को इससे भी कम कर देते हैं. अब मजेदार बात यह है कि यह एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, ये, और लेट अस से हम टेम्परेचर और ले लेते हैं कम, तो पता चल रहा है कि इस एक्सटर्नल प्रेशर पर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज हायर देन द एक्सटर्नल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इज लोअर देन द एक्सटर्नल प्रेशर.
अब यहां पे आप एनर्जी अगर सप्लाई करोगे तो लिक्विड कभी बनेगा ही नहीं, यहां पे सॉलिड सीधा वेपर में जाएगा, क्योंकि लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है, तो लिक्विड तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दिस इज सब्लिमेशन, ठीक है। When the external pressure is lower than the vapor pressure of the liquid, at that time, the solid and vapor come in equilibrium with each other. The solid converts to the vapor without converting into a liquid. That is termed sublimation. और ये external pressure पे बहुत ज्यादा depend करता है, ठीक है। आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दीजिए, वो ऊपर चला जाएगा, फिर लिक्विड बन जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दीजिए, लिक्विड नहीं बनेगा, सीधा सॉलिड से गैस बनेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इतना कम कर दें तो ये जो आइस है ना, ये सीधा वेपराइज हो जाएगी, लिक्विफाई नहीं होगी। Is that clear? ठीक है, सुना है कभी वो ड्राई आइस? सुनिए, जानते हो ड्राई आइस क्यों होती है? वो ड्राई क्यों कहलाती है? क्योंकि वो सब्लाइम होती है, ठीक है। कैम्फर, नैफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सारे इस कैटेगरी में है, क्योंकि जो नॉर्मल वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इनके लिक्विड का प्रेशर उससे ज्यादा है, तो इसलिए लिक्विफाई नहीं होते नॉर्मल टेम्परेचर पर। नॉर्मल प्रेशर पर लिक्विफाई हो सकते हैं, अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दो लिक्विफाई हो सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन किया जा सकता है, बट मेल्टिंग पॉइंट वन एटमॉस्फेयर पर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप आइस लेते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते चले जाते हैं तो आइस सीधा सब्लाइम हो जाएगी, फाइन। अच्छा, हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड पाउडर्ड मिल्क? हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड इंस्टेंट कॉफी? ठीक है, हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड द वेजिटेबल्स इन मैगी? हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड दीज नूडल्स हैविंग द ड्राइड वेजिटेबल्स? अच्छा, कभी सोचा ये बनते कैसे? कैसे बनते हैं? आंसर तो नहीं मिला। अच्छा, आप में से किसी को इंस्टेंट कॉफी और फिल्टर कॉफी में फर्क पता है? बेटा मैं सीधे सीधे ट्रेडिशन की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री की नहीं। फिल्टर कॉफी और कॉफी और इंस्टेंट कॉफी का फर्क, तुम में से कभी किसी ने फिल्टर कॉफी कॉफी पी ली है? इस क्लास में कोई साउथ इंडियन नहीं है? फिल्टर कॉफी नहीं पी? अरे बेशरम हो यार, साउथ इंडियन और फिल्टर कॉफी ना पियो, क्योंकि क्योंकि फिल्टर कॉफी इज द एक्चुअल कॉफी। इंस्टेंट कॉफी तो बेकार होती है। जो कॉफी पीने वाले हैं, यानी कि तुम में से किसी को कॉफी पीनी आती ही नहीं है, तुमने सिर्फ वो कहते ना कि चल यार एक बेवरेज बना ली, चलिए एक फ्लेवर आ गया, कॉफी नहीं है वो। फिल्टर कॉफी बनाने का तरीका क्या होता है? एक मिनट एक मिनट, उसमें भी क्या होता है? तुमने देखी है, पी है? ओके, घर में बनती है? अगर घर में नहीं बनती तुम्हें क्या पता। उसके लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक कंटेनर होता है, उसे बोलते हैं कॉफी फिल्टर। स्टील के कंटेनर्स होते हैं, टाइटली फिटिंग विद ईच अदर। ऊपर वाले कंटेनर के अंदर एक छन्नी लगी होती है, उस ऊपर वाले कंटेनर में क्रश्ड कॉफी बीन्स डाली जाती हैं। कॉफी बीन्स से कॉफी नहीं बनती, उसमें क्रश्ड कॉफी बीन्स डाली जाती हैं और उसको पानी से भर दिया जाता है। अंदर इट इज सील्ड, तो पानी बहता नहीं है। ऊपर से कॉफी बीन्स सोक हो जाती हैं और सोक होने के बाद ट्रिकल करता है नीचे पानी, इसे कहते हैं ब्रूइंग। ये कॉफी ब्रू होती है और ये इन एवरी साउथ इंडियन होम, जहां पे भी ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, वहां पे क्या होता है कि इफ द लेडी ऑफ द हाउस, उसका जो लास्ट काम होता है
सोने से पहले, वो होता है एक फिल्टर ऐसे लगा के उसको सेट करना. दैट इज द लास्ट थिंग शी डज एट नाइट. और डिपेंडिंग ऑन द फैमिली साइज ये फिल्टर बड़ा छोटा हो सकता है, दो तीन फिल्टर भी हो सकते हैं. अब अगले दिन सुबह इस फिल्टर से जो लिक्विड कलेक्ट हुआ है उससे पूरे दिन कॉफी बनेगी और रात को ये रिचुअल रिपीट होगा. इस लिक्विड की लाइफ 24 आवर्स से ज्यादा नहीं है, ये 24 आवर्स में खराब हो जाएगा. दिस इज द फिल्टर कॉफी. ये है कॉफी, जिसे कॉफी बोलते हैं वो ये है. अब प्रॉब्लम ये है, आप में से किसी को पता ही नहीं ऐसा कैसे होता है, टाइम लगता है, यानी कि इंस्टेंटली कॉफी नहीं बन सकती. या अब किसी का कॉफी पीने का मन हो गया और वो फिल्टर में कॉफी खत्म हो गई तो भैया आज नहीं मिलेगी वो कॉफी, क्योंकि उसको तो ब्रू होना है ना 7-8 घंटे. तो उससे बचाने के लिए, उससे टाइम पास करने के लिए बनाई गई इंस्टेंट कॉफी. इंस्टेंट कॉफी में आपके पास पाउडर है, वो पाउडर आपने कॉफी में मिलाया, बन गई इंस्टेंट कॉफी. एंड दैट पाउडर इज नॉट कॉफी बीन पाउडर, वो पाउडर वर्क नहीं करेगा. तुम्हें ब्रू होने के बाद जो लिक्विड आया है उस लिक्विड की इवेपोरेट करके उसमें से पाउडर निकालना है, तब बनेगी इंस्टेंट कॉफी. समझ आई बात? रीजन समझ में आया? अब दूसरी चीज, पाउडर्ड मिल्क. क्या हुआ? कॉफी? कभी कॉफी नहीं पी? ठीक है, छोड़ो. अब सुनो बात को, पाउडर्ड मिल्क, ठीक है ना? यही है ना प्रोसीजर? गुड. पाउडर्ड मिल्क. अब पाउडर्ड मिल्क के बारे में भी तुम तो क्यूरियस नाम के चीज ही नहीं है तुम्हारे क्यूरियोसिटी. तुम आप बोलते हो अपने आप को क्यूरियस, कुछ नहीं हो तुम्हारे में क्यूरियोसिटी. मैं सोचा करता था, बहुत सोचता था पाउडर मिल्क के बारे में. मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूं, अपनी फैमिली में, अपने दादा की फैमिली में, अपने नाना की फैमिली में. क्या हुआ? दाद के नान के फैमिली में. और तुम्हारे कॉमन सेंस की तो क्या कह सकते हैं. ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट माई जनरेशन. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई जनरेशन, देयर वर मेनी चिल्ड्रन मच लोअर देन माई एज, उनके लिए पाउडर मिल्क आया करता था. और एक बार मेरे चाचा जी बोल रहे थे कि अरे ये पाउडर मिल्क से दूध बनाया है, इसे खत्म कर दो, खराब हो जाएगा. मैंने कहा तो गई, कॉमन सेंस ही नहीं है इनमें. अरे पाउडर मिला के आपने दूध बनाया है, इसे सुखा दो, इवेपोरेट कर दो, वापस पाउडर निकल जाएगा, डब्बे में डाल दो. क्या हुआ इसमें? हंसने वाली बात क्या थी? नहीं, एक बार बताओ, मैंने अगर ये सोचा कि पानी को इवेपोरेट करके पाउडर वापस बन जाएगा तो बताओ मैंने क्या गलत सोचा. पर ये बात बड़े लोगों ने क्यों नहीं सोची उस समय? वो भी तो ये कर सकते थे, वो दूध खत्म करने के पीछे क्यों पड़े हुए थे जो बन गया था? उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा था या मेरे पास? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, उनको सब्जेक्ट नहीं मालूम था. आपने कभी घर में पाउडर्ड मिल्क बनाया है? भाई अक्सर किसी किसी घर में ऐसा हो जाता है कि कभी कभी दूध बच जाता है तो या तो उसकी दही जमा दी जाती है, ठीक है, पर उसके कभी पाउडर्ड मिल्क बनाने की कोशिश नहीं की जाती. कोई रीजन बताएगा क्यों? क्यों नहीं बन सकता? पाउडर्ड मिल्क बनता तो दूध से ही है ना. अच्छा, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए जरा बताएंगे आप? चलो तुम मुझे बस ये बता दो, इक्विपमेंट कौन सा चाहिए? जल्दी करो. और आपको शायद ये बात आप भूल जाते हो कि मैं कभी भी कहानियां क्लास में नहीं सुनाता. आंसर, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए आपको? तो उससे क्या होगा?
एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से लिक्विड सॉलिड में आ जाएगा। ये जितनी भी चीजें हैं इनको बनाने का जो मेथड है, या ये जो आप ड्राई वेजिटेबल्स लेते हो जिनको पानी में डालने के बाद दे बिकम फ्रेश, इन सबको बनाने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है एंड दैट इज कॉल्ड फ्रीज ड्राइंग। इनको ड्राई करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया जाता, इनको ड्राई करने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है। एंड इफ यू हैव टू ड्राई मिल्क और मे बी दैट कॉफी, ब्रूड कॉफी और मे बी द वेजिटेबल्स, द टेम्परेचर इज टेकन टू -10°C, दे आर फ्रोजन। फ्रीज करना इसलिए जरूरी है कि फ्रीज करते ही सारे के सारे एक्टिविटीज, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज वगैरह जो है जो उनको खराब करती हैं, वो स्टॉप हो जाएंगी। तो टेम्परेचर कम करते ही वो सारे एक्टिविटीज को आपने स्टॉप कर दिया, नाउ प्रेशर इज डिक्रीज वेरी लो, और तब स्लोली द वॉटर स्टार्ट सब्लाइमिंग। दिस इज प्रोसेस कॉल्ड फ्रीज ड्राइंग एंड दिस इज द प्रोसेस यूज टू क्रिएट इंस्टेंट कॉफी, पाउडर्ड मिल्क एंड दोज ड्राइड वेजिटेबल्स एंड सो मेनी अदर मेडिसिन। बहुत सारी जगह जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से खराब हो सकती है कोई चीज, और ये फ्रीज ड्राइंग एक स्लो प्रोसेस है, ये नहीं कि इंस्टेंटली आपने प्रेशर कम किया और सारा का सारा पानी निकल गया। इट इज अ स्लो प्रोसेस, सो इट टेक्स टाइम, सो यू हैव टू गिव द सिस्टम द टाइम एंड दैट इज वाई यू हैव टू फ्रीज इट फर्स्ट। सो दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड फ्रीज ड्राइंग, समझे? अच्छा एक छोटा सा सवाल और, इफ इन अ कंटेनर लिक्विड वाटर इज प्लेस्ड ऑन मून, व्हाट विल बी द चेंज इन स्टेट? बेटा ये सवाल आ चुका है इंजीनियरिंग में। इफ एन ओपन कंटेनर फिल्ड विद वाटर इज प्लेस्ड ऑन मून, व्हाट विल हैपन? लिक्विड वाटर सब्लाइम की क्यों बात कर रहे हो? बॉयल हो जाएगा, सम ऑफ द वाटर विल बॉयल एंड द अदर पार्ट विल फ्रीज। आंसर तो ये है, रीजन बता सकते हो? क्या तो ट्रिपल पॉइंट के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? यहां ट्रिपल पॉइंट बोल रहा हूं मैं, एक टर्म याद हो गई, हर जगह चिपकाया जा रहा है और कहीं नहीं लग रही। और जब आंसर होगा ना ट्रिपल पॉइंट तब बोलते बोलेगा नहीं। ओके व्हाट हैपेंस, व्हाई? तो प्रेशर है नहीं वहां पे, देयर इज नो प्रेशर, ठीक है? वाटर इवेपोरेट होगा, बॉयल होगा, इंपॉर्टेंट बात, बॉयल होने के लिए प्रेशर कम होना चाहिए या प्रेशर बराबर होना चाहिए, लेकिन बॉयल के लिए आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करना ही पड़ेगा ना। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो यहां पर जब वो इवेपोरेट होगा तो एनर्जी कहां से लेगा? सिस्टम में से, एटमोसफेयर है वहां पे, सिस्टम में से लेगा, सिस्टम का टेम्परेचर कम कर देगा, अ पार्ट ऑफ इट विल फ्रीज, रेस्ट ऑफ इट विल इवेपोरेट, या ये कह सकते हो कि अ पार्ट ऑफ इट विल इवेपोरेट। इवेपोरेशन में एनर्जी ज्यादा लगती है, 40.6 किलो जूल पर मोल डेल्टा एच वेपराइजेशन, फ्रीजिंग की एनर्जी 6 किलो जूल पर मोल है। तो लेट अस से अगर जितना अमाउंट आपने ले रखा है तो अप्रोक्सीमेटली 1/7 ऑफ इट विल इवेपोरेट एंड द रिमेनिंग पार्ट विल फ्रीज। समझ आई बात? क्लियर? जी बिल्कुल, हाँ तो इसलिए इंस्टेंटली बॉइल करेगा ना, एक्सटर्नल प्रेशर कम है ना उसके वेपर प्रेशर से, तो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल ज्यादा है ना, लेकिन इवेपोरेट करने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स को तो ओवरकम करना ही है ना, उसके लिए तो एनर्जी चाहिए ही ना। ड्राई आइस बनाते कैसे हैं पता है? यही है मेथड ड्राई आइस बनाने का, प्रेशर से लिक्विफाई करते हैं, ठंडा करते हैं, देन सडनली इवेपोरेटेड, अ पार्ट ऑफ इट इवेपोरेट्स, रेस्ट ऑफ इट फ्रीजेस, यही होता है ड्राई आइस बनाने का तरीका। ओके
ये जो भी कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किए हैं, होप सो आप हंसने में ज्यादा बिजी नहीं थे, वैसे तो बिजी थे पर कोई बात नहीं। सोच लो जितने भी कंसेप्ट हमने बात किए करें, वी टॉक्ड अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट, वी टॉक्ड अबाउट द वेपर प्रेशर, वी डिड टॉक अबाउट ट्रिपल पॉइंट एज वेल, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द फ्रीज ड्राइंग। कुछ कंफ्यूजन किसी टॉपिक में? एक बात यहां पे नोटिस कर लेना कि सारी की सारी चीजें, सबका आंसर वेपर प्रेशर से आ रहा है। जब फ्रीज करके ड्राइंग भी है, मतलब मैन्युफैक्चर करते जब यूज के लिए, तो सर बाकी टाइम तो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर आ जाता है। बेटा आपने पानी को हटा दिया, उसमें से पानी निकल गया, अब पानी कहां से आएगा जब तक डालोगे नहीं? बिना पानी के एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नहीं चलती, कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, कोई फंगस ग्रो नहीं करेगी, सबको पानी चाहिए जीने के लिए। आपने पानी को निकाल दिया, कर सकता है, सील्ड कंटेनर में रखते हैं, दूध का जो कंटेनर होता है उस पर लिखा होता है, कॉफी के कंटेनर पर लिखा होता है, और कॉफी को आप खुला छोड़ दीजिए थोड़े दिन के, दो तीन दिन के बाद कॉफी पीने लायक नहीं रहेगी, उसके वो बन जाएंगे, लम्स बन जाएंगे। करता है जॉब, ऑफ कोर्स करता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना उसमें, करता है, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। ड्राइड वेजिटेबल्स को रख दीजिए आप दो दिन के लिए, दे ऑल्सो विल अब्सॉर्ब मॉइस्चर। बेटा इनकी प्रॉपर्टी है मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के लिए, इसीलिए तो वो वापस दूध में या कॉफी में या वो स्वेल करके नॉर्मल वेजिटेबल में कन्वर्ट होता है। अगर प्रॉपर्टी नहीं होती अब्सॉर्ब करने की तो वो तो वहीं का वहीं बेकार हो जाता, खत्म हो जाता, वो तो पता ही है हमें, ठीक है। और कुछ? ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक लिक्विड है और उसके अंदर मैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल देता हूं, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी या कम? कम हो जाएगी, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ठीक है, क्लियर। अगर उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई तो उसकी सॉलिड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी या कम? वेरी ऑब्वियसली बेटा कम होगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी तो उसका वेपर बनने का टेंडेंसी भी कम होगी और सॉलिड बनने की टेंडेंसी भी कम होगी, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा या कम? क्या टेंडेंसी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है ना, आपने सॉल्यूट डालते ही लिक्विड की कंसंट्रेशन को कम कर दिया। बेटा सिस्टम क्या है, पहले सिस्टम डिफाइन कर, पहले सिस्टम डिफाइन कर। ओके, कंपेयर टू लेस और मोर आर कंपेरेटिव टर्म्स। ओके, अब बोल बेटा, लेस और मोर एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, तो सिस्टम आप डिफाइन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट सिस्टम डिफाइन करो ना, ठीक है, इज इट क्लियर। तो द फ्रीजिंग पॉइंट बोल और कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब ग्राफ बना के दिखाऊं, अब ग्राफ क्या है, सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होगा, हर पॉइंट पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम है। द ग्राफ गोज, दिस इज द न्यू टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is equal to the solid। ये solid के equal इसलिए आ गया क्योंकि solid के graph की slope different है, वरना वो liquid के graph से तो almost parallel जा रहा है, liquid के graph से तो parallel ही जा रहा है ये, पर solid के अंदर क्योंकि slope different है तो एक low temperature पर ये दोनों फिर से match कर गए। So this is the new freezing point and this is
तुम बताओ ना क्यों नहीं होगा. मैंने जब सब्सटेंस डाला है तो वो लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, लिक्विड की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, उसकी वेपर प्रेशर को कम कर दिया, सॉलिड का वेपर प्रेशर अब ज्यादा हो गया क्योंकि वो तो वहीं का वहीं है, लिक्विड का कम हो गया ना. ठीक है ना, ये वाला ग्राफ था ना जो कंफ्यूज कर रहा था. क्या कंफ्यूजन है? बस इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है, तुम्हें ये नहीं पता होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है. फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड. ये डेफिनेशन याद रखो, सामने आंसर है. कोई प्रॉब्लम? जितना आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जाओगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होता चला जाएगा. ठीक है, एंड ऑब्वियसली कोई सब्सटेंस फ्रीजिंग पॉइंट को कितना कम कर सकता है ये उसकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है. कैल्शियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड से ज्यादा है. सोडियम क्लोराइड अगर डालोगे तो टेम्परेचर वो फ्रीजिंग पॉइंट को अप्रॉक्सीमेटली -10 डिग्री तक पहुंचा देता है, लेकिन अगर कैल्शियम क्लोराइड डालोगे तो -32 डिग्री तक पहुंचा देता है. यानी कि यू कैन मेल्ट आइस एट -32 डिग्री सेल्सियस इफ यू एड कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है, क्लियर? एंड दैट इज द रीजन व्हाई कैल्शियम क्लोराइड इज स्प्रेड ऑन टू रोड्स टू क्लीन देम एज अ डी स्नोइंग सॉल्ट. कैल्शियम क्लोराइड -32 कनाडा में. इंडिया में कौन स्प्रे करता है सॉल्ट सड़क पे? इंडिया में तो करती है, फिर कनाडा में तो जाता है माइनस टेम्परेचर. -32 नहीं जाता, -5 जाता होगा, 6 जाता होगा. सर इकोनॉमिक वैल्यू में तो देखिए ना, इकोनॉमिक कैल्शियम क्लोराइड वेस्ट प्रोडक्ट है. कोई नाम नहीं इसका. सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर करने में कैल्शियम क्लोराइड इज अ बाय प्रोडक्ट. Clear? Heard of something called freezing mixture? शायद कभी सुना हो तुमने कि आइसक्रीम जमाने के लिए वो क्या करते हैं, एक कंटेनर होता है जिसमें आइसक्रीम होती है, जहां जमानी होती है. अब लिक्विड नाइट्रोजन आइसक्रीम जमाने के लिए कब से यूज होने लगा? सबको जमाना है. मुझे आइसक्रीम जमानी है, सब कुछ नहीं जमाना. आइसक्रीम के लिए ड्राई आइस यूज होती है, लिक्विड नाइट्रोजन नहीं. और ड्राई आइस भी आइसक्रीम जमाने के लिए यूज नहीं होती, उसको जमा रखने के लिए यूज होती है. ओके, ये एक एक्सटर्नल कंटेनर होता है, यहां पे बर्फ होती है, इस बर्फ में नमक डाला जाता है, कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, बर्फ डालने से तो ये नमक डालने से बर्फ जल्दी पिघलेगी या देर से? नमक डालने से बर्फ जल्दी पिघलेगी या देर से? पड़ेगा. मैं पूछ रहा हूं बर्फ जल्दी पिघलेगी या देर से? एक पानी, एक गिलास, एक नमक, एक बर्फ ले लीजिए, बर्फ का पीस, और उसके ऊपर नमक डाल दीजिए और एक वैसे ही रख दीजिए, कौन सी जल्दी पिघलेगी? नमक वाली. तो यहां पे नमक क्यों डाला है? बेटा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो जब फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो नॉर्मल टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है उससे, इट विल हैव अ हायर टेंडेंसी टू गेन द एनर्जी टू डिसॉल्व. वही बात है ना, यहाँ पे वही तो बात है कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कम हो गया, सॉलिड का ज्यादा, तो सॉलिड विल हैव अ हायर टेंडेंसी टू मूव इनटू द लिक्विड. स्पीड बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि लिक्विड टू सॉलिड कम हो गया ना, तो सॉलिड टू लिक्विड नेट बढ़ जाएगा, और बढ़ने के लिए वो एनर्जी ज्यादा गेन करेगा, फास्टर कूल होगा, फास्टर मेल्ट होगा. तो यहां पर बर्फ, ये आइसक्रीम अंदर है, बर्फ बाहर है, बर्फ में नमक क्यों डाला? क्योंकि मेल्ट होने के लिए उसे एनर्जी, क्योंकि उसे मेल्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, और बाहर इंसुलेटेड कंटेनर है तो वो एनर्जी आइसक्रीम से लेगा, खुद तो पिघल जाएगा
आइसक्रीम को जमा देगा. एंड दैट इज वाई सॉल्ट आइस मिक्सचर इज कॉल्ड अ फ्रीजिंग मिक्सचर. किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि सर लिक्विड नाइट्रोजन बनाने के लिए लो टेम्परेचर करते कैसे हैं. देयर इज अ मिक्सचर ऑफ ड्राई आइस, ईथर एंड ड्राई आइस एंड ईथर दैट इज केपेबल ऑफ गेटिंग द टेम्परेचर ऑफ -170°C. टाइटेनिक जहां डूबा था वहां पे टेम्परेचर जो पानी का था वो -10° था. जानते हो क्यों? बिकॉज इट वॉज अ डेडली फ्रीजिंग मिक्सचर, आइसबर्ग वॉटर विथ सॉल्ट. इट वॉज अ प्रॉपर फ्रीजिंग मिक्सचर. पीपल डिडंट डाई ऑफ ड्राउनिंग, दे डाइड बिकॉज दे फ्रोज टू डेथ. हमारा ब्लड भी एक सॉल्यूशन है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, 0° से कम है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर -10 हो गया था. हमारे ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं है कि वो -10 को बर्दाश्त कर जाता. इज इट क्लियर? समझ आई बात कि फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज होता है? ये है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. फॉर्मूले फिर वही है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वाले. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम. एम इज अगेन मोलालिटी. के एफ की जगह आप के सी लिख सकते हैं, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के सी एम. के सी स्टैंड फॉर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट एंड के सी इज इक्वल टू आर टी स्क्वेयर एम अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन. सेम वही तरीका है, वही फॉर्मूला है. फ्रीजिंग पॉइंट ये है. एक्चुअली हम यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट इसलिए ले लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट हम इसलिए ले लेते हैं कि बाय एडिशन ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट चेंज मच. 5-7 डिग्री का जो चेंज हो रहा है थोड़ा सा सॉल्यूट डालने पर डजंट मेक मच ऑफ द डिफरेंस. तो इसलिए हमने यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही ले रखा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता. तो कॉन्स्टेंट निकाले बेटा, वाटर का पर मोल फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस इज 1.86 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 0.52. तो मैं कंसंट्रेशन ज्यादा भी तो कर सकता हूं ना, कोई वन मोलर ही बनाने जरूरी तो नहीं. वही बात है ना, ये कैल्शियम क्लोराइड -32 तक ले जाता है. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है. अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल. लेट अस से हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर. ठीक है, उसमें हम एक छोटा चम्मच नमक का मिला देते हैं, सोडियम क्लोराइड का. डिजॉल्व इट प्रॉपरली एंड देन पुट इट इन फ्रीजर. फ्रीजर के अंदर थोड़ी देर रखते हैं टिल द टाइम पहला क्रिस्टल बने सॉलिड का. पहला क्रिस्टल, मैं पूरा फ्रीज होने का इंतजार नहीं कर रहा, पहला क्रिस्टल. अब उस पहले क्रिस्टल को हमने निकाल लिया और उसको एनालाइज किया. नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन, जब एनालाइज करेंगे तो उस क्रिस्टल का कॉम्पोजिशन क्या आएगा एंड ऑप्शन आर. क्वेश्चन समझ में आ गया? इन 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर 2 grams ऑफ सोडियम क्लोराइड वर प्रॉपरली डिजॉल्व. 2 ग्राम. ठीक है, देन दिस मिक्सचर वॉज प्लेस्ड इन अ फ्रीजर. द टेम्परेचर वॉज लोअर्ड एंड अल्टीमेटली इट स्टार्टेड फ्रीजिंग. कंप्लीटेड नहीं, स्टार्टेड फ्रीजिंग. द फर्स्ट क्रिस्टल ऑफ सॉलिड वॉज टेकन आउट एंड एनालाइज. ठीक है, वॉट वुड बी द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉलिड? ऑप्शंस: प्योर वॉटर, प्योर सॉल्ट, सेम एज सॉल्यूशन. फोर्थ, मोर ऑफ सॉल्ट.
fifth mole of water. And these two are in comparison to the solution. मतलब कि ये दोनों का ऑप्शन का मतलब ये कि ये मिक्सचर होगा, ये कहता है इस मिक्सचर में सॉल्यूशन से ज्यादा सॉल्ट होगा, ये कहता है इस मिक्सचर में सॉल्यूशन से ज्यादा वाटर होगा. और कोई ऑप्शन आपको समझ में आती है, और कोई बन सकती है? नहीं. अगर आपको लगता है कोई और ऑप्शन बन सकती है तो यू आर फ्री टू गिव दैट आंसर ऑल्सो. जल्दी बोलो. हाँ भाई, क्या हुआ? बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने? ओके, राइट द आंसर. ओके हाँ भाई, क्या हो गया? कौन से कैलकुलेशन कर रहे? इसमें कैलकुलेशन तो होगा नहीं, ये तो प्योर कंसेप्चुअल है. ओके, राइट द आंसर. हाँ भाई, राइट द आंसर. लिखते नहीं हो तुम, बोल देते हो, फिर बाद में को हाँ हाँ हमने तो यही सोचा था, वो गलती से ये बोल दिया था. लिखो. हाँ भाई, अच्छा चलो, प्योर वाटर. ठीक है, लिख दो. चलो आपको हेल्प करने के लिए दो तीन एग्जांपल्स दे देता हूं जो तुम्हें पता है, ऑब्जर्व किए हैं तुमने. ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड आइसबर्ग? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था टाइटैनिक में. आइसबर्ग्स आर फॉर्म्ड, इज इट बाय द फ्रीजिंग ऑफ सी वाटर और बाय द स्नोफॉल? फ्रीजिंग ऑफ सी वाटर. आइसबर्ग्स में क्या नमक होता है? वी जनरली से दैट ऑफ द टोटल प्योर वाटर 97% इज फ्रोजन इन द आइस कैप्स. प्योर वाटर, पहली चीज. ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल. आप में से क्या कभी किसी ने रूह अफजा की, शिकंजी की, जूस की, या किसी भी चीज की घर में आइसक्रीम बनाने की कोशिश की है? कैसे बनती है? कैसी बनती है? बहुत ही वाहियात. ठीक है, उसे खाने का मतलब यह है अपने दांत तोड़ना, क्योंकि ऊपर अगर आपने केस वगैरह बनाए हैं तो कुछ ही केस वगैरह मैंने जैसे बनाया था, मैं तो बहुत पंगे लिए थे, तो ऊपर वो क्लीन, नीट एंड क्लीन आइस दिखाई दे रही होती है और अंदर फ्लेवर दिखाई दे रहा होता है घुसा हुआ. ठीक है, ऊपर अगर चाटने की कोशिश करो, खाने की कोशिश करो तो बस सॉलिड आइस है वो, और अंदर वो इतना सॉफ्ट है कि अगर उसमें कोई तीली डाल रखी है तो तीली ऐसी बाहर निकल आती है. ठीक है, कभी ना कभी जैसे दूध की थैली अगर चिल ट्रे में रखी हो, जम जाए तो अगर उस दूध को निकालोगे तो पीछे प्योर बर्फ होती है, उसमें मिल्क का कोई फ्लेवर नहीं होता. ठीक है, कुछ समझ में आया? ओके, इतनी बात. एक मिनट, अभी रुक जाओ. मैं यही एग्जांपल अपनी क्लास में एक बार दे रहा था, तो एक स्टूडेंट था वहां पे, मोस्ट नोटोरियस स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सारे टीचर परेशान थे. ठीक है, मैं जरा नोटोरियस स्टूडेंट से कम परेशान होता हूं क्योंकि मैं ही उनको परेशान करता रहता हूं. तो मेरी क्लास में वो बैठा हुआ था, जब मैंने कहा ना कि जब मैंने रूह अफजा की आइसक्रीम बनाई थी तो अंदर सारा का सारा फ्लेवर था और बाहर वो
आइस थी, बिल्कुल फ्लेवरलेस, फीकी। तो उसने पता क्या जवाब दिया, सर जब मैंने आइसक्रीम बनाई थी तब तो उल्टा था। मैंने कहा क्या? कहता कुछ नहीं, मेरा तो पूरा का पूरा फ्लेवर बाहर की तरफ था, अंदर पानी था। मेरा पटाखा बज गया था। ये क्या हो गया? अब यार सीधी सीधी बात है, कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कुछ चीजें रटी हुई होती हैं, कई बार रटी रटाई चीज से ऑब्जर्वेशन बना देते हैं हम, ठीक है। अब मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया था। मैं कंफ्यूज, कुछ सेकंड के लिए तो हुआ ही था, फिर एकदम से कुछ क्लिक किया और मैंने सडनली उससे पूछा, एक बार बता रूह अफजा की आइसक्रीम बनाते हुए वो जो रूह अफजा था उसमें पानी डाला था? कहता नहीं। अगर ठीक है, अब बाहर चीनी होगी, अब बाहर फ्लेवर होगा। मतलब कि उसने रूह अफजा के अंदर जो बॉटल में रूह अफजा आता है उसको एज इट इज भर के उसी को जमा दिया था, पानी वानी नहीं डाला था। नहीं बेटा, अगर उसने ऐसे ही बोला होता तो उसको ये ऑब्जर्वेशन कभी नहीं मिला होता। ये ऑब्जर्वेशन किसी किताब में नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन कहीं नहीं है। उसने अगर ये किया नहीं होता तो उसकी औकात नहीं थी कि वो मुझे ये बोल देता कि नहीं मैंने जब किया था तो वो बाहर था। ये चीजें प्योर ऑब्जर्वेशन होती हैं। उसका थ्योरी इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो मुझे लॉजिकली बता देता कि वो बाहर है। और ये फैक्ट है कि अगर प्योर रूह अफजा लेकर आपने फ्रीज कर दिया तो वो फ्लेवर बाहर होगा, अंदर पानी होगा। ये फैक्ट है, उसके बस की ये क्रिएट करना नहीं था, तो इसलिए वो उसने उसका मेरे को मानना पड़ा कि उसने ऐसा किया होगा। अब मुझे दोनों ऑब्जर्वेशन का रीजन बताओ। किसकी फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है? मतलब जो सॉल्यूशन है, हाँ, उसमें वो सबसे पहले फ्रीज हुआ है। क्या फ्रीज हुआ? मतलब जो भी कुछ फ्रीज हुआ है। क्या फ्रीज हुआ? वाटर। ठीक है, तो ये बात तो हम शायद मान गए इन सारे एग्जाम्पल से कि द आंसर इज फर्स्ट वन, प्योर वाटर। ये तो समझ गया ना सारे एग्जाम्पल से, प्योर वाटर। अब क्वेश्चन ये है कि जो मैं एग्जाम्पल्स दे रहा था उनमें सब आंसर प्योर वाटर था, लेकिन जो उसने एग्जाम्पल दिया द आंसर वॉज प्योर शुगर। क्लियर? एक केस में सॉल्वेंट, एक केस में सॉल्यूट। क्लियर? अब रीजन बताओ। उसके अंदर जो कम कंसेंट्रेशन का था वो वाटर था। किसके अंदर? हाँ ठीक है, और उसके अंदर जो ज्यादा कंसेंट्रेशन उससे जिसका वो सर वेपर प्रेशर में दिक्कत बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, नहीं तुम उस तक नहीं पहुँच पाओगे। मैं टीचर था, मेरे पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, तो मैं उसको उस समय आंसर दे पाया, वरना वो अच्छा खासा टांग देता। अगर मैं उस समय थोड़ा अपने आप को थैंक्स किया अपने स्टार्स को कि इसने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा वो सन 2008 में पूछा, अगर उसने ये सवाल सन 2002 में पूछ लिया होता तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। फैक्ट है, और उसका रीजन ये है, बाद में सोचा मैंने, ये किसी किताब में फिर से रीजन नहीं है, वो ये कि इफ यू टेक अ सॉल्यूशन एंड यू फ्रीज इट, कोई भी सॉल्यूशन, कैसा भी सॉल्यूशन, द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द इक्विलिब्रियम, तो दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम ऑफ द सॉल्यूशन। जब आप उसको फ्रीज करते हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में से जो भी सैचुरेशन लेवल से ज्यादा है वो निकलेगा। जो भी सैचुरेशन लेवल से ज्यादा है वो फ्रीज होगा, चाहे वो पानी हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो। अगर शहद को फ्रिज में रख दो ना तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, वो क्रिस्टलाइजेशन इज प्योर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्रिस्टल्स, उसमें पानी नहीं है क्योंकि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो टेम्परेचर कम करते ही जो सॉल्यूट है वो सैचुरेशन से ज्यादा हो गया, वो क्रिस्टलाइज आउट हो गया।
जो रूह अफजा है बॉटल में जो होता है वो भी सैचुरेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो वहां पे जैसे ही आपने फ्रीज किया, टेम्परेचर कम किया, जो फ्लेवर्स है वो सैचुरेशन लेवल से ज्यादा हो गए, दे मूव आउट। जो मैंने एग्जांपल लिया था वहां पे स्पेसिफिकली मास स्पेसिफाई किया था, आई स्पेसिफाइड इट कि कहीं कोई ये मत ना समझ ले कि यहां पे कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है या सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। वहां पे सैचुरेशन से सॉल्ट का अमाउंट बहुत कम था एंड आई डिडंट टॉक अबाउट कंप्लीट फ्रीजिंग, आई टॉक्ड अबाउट फर्स्ट क्रिस्टल। सैचुरेशन लिमिट तक नहीं पहुंचा है, पानी ज्यादा है, पानी मूव आउट करेगा। नमक पानी के अंदर जो सी में है 35 ग्राम के करीब होता है पर लीटर। वाटर इज मच मोर दैन द सॉल्ट एट सैचुरेशन लेवल, दैट इज व्हाई आइसबर्ग्स आर प्योर वाटर। सॉल्ट क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा, पानी में डिसॉल्व्ड है बेटा। आपने पानी लिया, आप क्रिस्टलाइजेशन करते कैसे हो? क्रिस्टलाइजेशन का तरीका क्या है? यू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ हाई टेम्परेचर एंड देन यू स्लोली कूल इट। सैचुरेशन से आगे पहुंच जाता है सॉल्ट एंड सॉल्ट स्टार्ट्स क्रिस्टलाइजिंग आउट, और धीरे धीरे सॉल्वेंट इवेपोरेट होता जाता है, सॉल्ट क्रिस्टलाइज होता चला जाता है। यही तो तरीका है। तो टेम्परेचर आपने फ्रीजर में नहीं डाला, पर टेम्परेचर तो कम किया ही है, ठीक है। अब इसको आप फ्रीजर में डाल दीजिए और सॉल्ट क्रिस्टलाइज हो जाएगा, ठीक है, और सॉल्यूशन जो रहेगा वो सैचुरेटेड रहेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉल्ट क्रिस्टलाइज हो गया, सॉल्यूशन पूरा का पूरा फ्रीज हो गया, वहां पे सॉल्ट क्रिस्टल्स तुम्हें अंदर दिख जाएंगे पानी में। आज घर जाके थोड़ा सा पानी लेकर उसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के फ्रीजर में रख देना, जब फ्रीज होगा ना तो अंदर तुम्हें सॉल्ट के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे बने हुए सस्पेंडेड। होता है, समझ आई बात? ये बात समझ में आई? क्लियर? अब एक क्वेश्चन पूछो, चलो अब सॉल्व कर लो न्यूमेरिकल बड़ी देर के बाद ना। वन मोल ऑफ यूरिया, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यूरिया है या शुगर है या सुक्रोज है या ग्लूकोज है, वन मोल बोल दिया ना। वन मोल ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वॉटर, इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वॉटर, ठीक है, फुल स्टॉप। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज मेड -3.72, the temperature of the solution is made -3.72 degree Celsius. If Kf of water is 1.86, if Kf of water is 1.86, calculate the mass of ice, calculate the mass of ice separated out. Solve karo. And obviously isme calculation nahi hai. आपके
कंसेप्ट बहुत सिंपल है. जब आप इसको फ्रीज करते हो तो इट इज ओनली वॉटर विट फ्रीजेज आउट, और जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, मतलब कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता चला जाएगा. ठीक है, आपको सिर्फ उस सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन निकालना है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट -3.72 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, तरीका करने के लिए क्या है, आपके पास है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 3.72. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, तो डेल्टा टी एफ -3.72 हो गया. 3.72 इज इक्वल टू के एफ इंटू 1 mole ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय एम. दिस इज द मास ऑफ वॉटर इन द सोल्यूशन. के एफ की वैल्यू दे रखी है, एम निकाल लीजिए, इस एम को गिवन अमाउंट ऑफ वॉटर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज द मास ऑफ आइस सेपरेटेड आउट. ये आइस नहीं है, ये वॉटर रिमेनिंग इन सोल्यूशन है. इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड जोन रिफाइनिंग? सुना है ना? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग. अब सोचो उसको. इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इंप्योरिटी इन द मेटल. द इंप्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी स्मॉल, सैचुरेशन कभी नहीं पहुंचेगा. मेटल को मेल्ट किया, धीरे धीरे क्रिस्टलाइज किया, इंप्योरिटी लिक्विड में रह गई, मेटल क्रिस्टलाइज होता चला गया. यह है जोन रिफाइनिंग. कुछ पूछना? मैंने डाला था यार, सॉल्यूशन बनाया था, हमने लिया नहीं है, मैंने बताया था है, हमने एज्यूम नहीं किया था 1000. ये क्वेश्चन का पार्ट है. 1 mole ऑफ यूरिया वॉज डिजॉल्व इन 1000 gram ऑफ वॉटर एंड देन इट वॉज फ्रोजन. ये मास ऑफ वॉटर इन द सॉल्यूशन बचा है, तो उसको 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो बाकी फ्रीज हो गया ना. ठीक है, वो अलग बात है कि ये वाला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें फ्रोजन एंड रिमेनिंग वर सेम, बट किसी में डिफरेंट भी हो सकता है. मान लीजिए मैंने 3.72 की जगह कोई और टेम्परेचर दे दिया तो अलग आ जाएगा. तो ठीक है, ओके, चलिए यहां पर ये एग्जांपल यहीं रोक देते हैं. सॉलिड और लिक्विड लिए थे ना, चलो सॉलिड और लिक्विड नहीं थे, आपकी बात वाकई में ये और भी ले लेते हैं. और हम एक ऐसा यहां पर सिस्टम बना देते हैं जो यहां से सॉल्यूट पार्टिकल्स को मूव ही नहीं करने देता. इट ओनली अलाउज द सॉल्वेंट पार्टिकल टू मूव. ठीक है, तो वेरी ऑब्वियसली जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी वहां से वो ज्यादा मूव करेगा, है ना भैया? एक मिनट रुक जा, एक काम करते हैं, पहले 2-3 डेफिनेशंस ले लेते हैं. सबसे पहली डेफिनेशन डिफ्यूजन. क्या होता है डिफ्यूजन, याद नहीं? हाँ भाई, डिफ्यूजन. अरे पूरा बोल दे भाई, यही तो पहले बोला था. नहीं, मैंने बोला पूरा बोला, थोड़ा तेज बोल दिया. डिफ्यूजन की प्रॉपर डेफिनेशन बोल दे ना. हाँ बोलो. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration is termed diffusion. Or I should make it the net movement of. So, movement to her direction mein hoti hai, but net more concentration se low concentration pe ho jayegi. Is it clear? That is termed as diffusion. Theek hai?
नाउ अगर हम एक ऐसा मेम्ब्रेन लगा दें जो एक तरह के पार्टिकल्स को मूव करने दे और दूसरी तरह के पार्टिकल्स को मूव ना करने दे, तो वी कैन फोर्स वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ पार्टिकल टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन व्हाइल कीपिंग द अदर पार्टिकल्स एज इट इज. ठीक है, दिस काइंड ऑफ डिफ्यूजन इज टर्म्ड ऑस्मोसिस. ठीक है, डिफ्यूजन हो रहा है लेकिन चार पार्टिकल में से हम सिर्फ एक पार्टिकल को मूव करने दे रहे हैं, बाकी तीन को नहीं करने दे रहे. तो एक सेलेक्टिव पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, दैट सेलेक्टिव मूवमेंट इज टर्म्ड ऑस्मोसिस. ठीक है, इज इट क्लियर? इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़ें, एक सवाल कि ये जो मेम्ब्रेन है ये किस पार्टिकल को जाने देना है और किस पार्टिकल को नहीं जाने देना, ये डिसाइड कैसे करता है? साइज, साइज एग्रीड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है. अच्छा एक बार बताओ, सोडियम आयन का साइज बड़ा है या वाटर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है? सोडियम आयन का साइज बड़ा है या वाटर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है? क्या हुआ, सवाल छोटा सा है ना? सॉल्यूशन में सोडियम का बड़ा क्यों है? ओके, और वाटर मॉलिक्यूल का साइज क्या पानी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ही होगा? क्या वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड नहीं है, लिक्विड है? फिर तो 10^-7 मोल्स कॉन्सेंट्रेशन को तुम मेजर मानोगे क्या? उससे ज्यादा सोडियम आया ना पानी में. हाँ भाई क्या हुआ? इंटरेक्शन है, मैं मना कब कर रहा हूं? आगे बोलो. ओके, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन? एब्जॉर्प्शन. तो यानी कि पार्टिकल मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाता है, चिपकता रहता है. तो हुआ? आपने बोला साइज. ओके एग्री. तो छोटा कौन सा है, सोडियम आयन या वाटर मॉलिक्यूल? छोटा क्यों होगा? तो एक्सपेरिमेंट का रीजन तो देना पड़ेगा ना. अब लिथियम आयन इज द स्मॉलेस्ट आयन विच एग्जिस्ट, विच एक्चुअली एग्जिस्ट. एच प्लस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, बट ऑस्मोसिस में तो लिथियम आयन भी मूव नहीं करता. ऑस्मोसिस सीधा सीधा सॉल्वेंट के लिए होता है ना, सॉल्यूट मूव नहीं करता. कोई पूछता है सॉल्यूट का साइज क्या है? और तुमने बोला कि ये सेलेक्टिविटी जो आइडेंटिफिकेशन वो साइज के हिसाब से है. ओके ओके, एक मिनट दोबारा बोलना. एस्केपिंग टेंडेंसी, जिसकी ज्यादा होगी वो मूव करेगा. यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि वी आर गोइंग टू कंपेयर द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विच वन मूव्स ऑन द बेसिस ऑफ एस्केपिंग टेंडेंसी. नहीं, उसने बोला एस्केपिंग टेंडेंसी. मैंने कहा ठीक है तुमने ये बोला है ना, उसने कहा नहीं. हाँ ओके, एक मिनट ये बोला है, इसका मतलब ये हो गया कि वी आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट द साइज. व्हाट वी आर बॉदर्ड अबाउट इज द बॉइलिंग पॉइंट. मैं नहीं कह रहा, ये तुमने स्टार्ट किया था, मैं तो उसका इन्फ्लुएंस निकालता चला जा रहा हूं. देखो एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब होता वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर का मतलब होता बॉइलिंग पॉइंट. तो आपके पूरे जो एक वर्ड बोला ना, जैसे तुमने वर्ड बोला एस्केपिंग टेंडेंसी, उसका आउटकम ये निकलता है कि इन अ सॉल्यूशन विच एवर सब्सटेंस हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट विल नॉट मूव वेदर द लोअर बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस विल मूव. ये इसका इन्फ्लुएंस निकल जाता है. द मोमेंट यू से एस्केपिंग टेंडेंसी,
अब बोलो। मुझे नहीं पता, हो सकता है, मैं तो उसकी बात का इंस्टेंस निकाल रहा हूं। वो तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या उसकी बात सही है। इसकी बात अगर सही अगर है तो उससे ये रिजल्ट आना चाहिए दैट इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ द टू कॉम्पोनेंट देन द वन विच इज मोर वोलाटाइल विल बी मूविंग अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज। जो इसने बोला उसकी बात सिर्फ बोलो। हाँ उससे ये आ रहा है। अब ये सोचो ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। उसने एस्केपिंग टेंडेंसी बोला। एस्केपिंग टेंडेंसी में साइज का फैक्टर नहीं आता। एस्केपिंग टेंडेंसी में साइज का फैक्टर कैसे लाएगा? उसने सिर्फ एस्केपिंग टेंडेंसी बोला था। तो साइज का फैक्टर भी डालना चाहता है, डाल दे, अब फिर फंस जाएगा। बेटा मैं आंसर दे चुका हूं, यही आंसर है। उसने बिल्कुल सही वर्ड बोला था, वो अलग बात है। उसने तो एम ही बोल दिया, उसको भी नहीं पता था क्या आंसर बोल रहा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ वही पार्टिकल मूव कर सकता है जो वेपराइज हो जाए, क्योंकि सेमी परमिएबल का पोर साइज इज समथिंग लाइक 10 एंगस्ट्रॉम। जो ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन्स, कभी अगर देख लेना तुम्हारा आर ओ जो होता है उसके अंदर देखना, उसके अंदर मेम्ब्रेन साइज लिखा होता है, दैट इज 1 नैनोमीटर, दैट इज 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम इज द साइज ऑफ द नॉर्मल मॉलिक्यूल। 1 से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में एक नॉर्मल मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो पार्टिकल है, ये जो मेम्ब्रेन है, वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को मूव करने देता है, सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल या एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स को नहीं। और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल सिर्फ उस सब्सटेंस का बन सकता है जो वेपराइज हो सके, जो गैशियस फॉर्म में जा सके, मतलब कि जो वोलाटाइल है, जिसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ मोर वोलाटाइल कॉम्पोनेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। We are talking about colligative properties. और colligative properties में हमने ये मान रखा है कि solute is non-volatile. It is solvent which is volatile. And therefore, the definition turns out to be the osmosis is the movement of solvent particles from a region. अब देखो, जहां पे solvent ज्यादा है वो solution dilute है, जहां पे solvent कम है वहां solution concentrated. So it is the movement of solvent particles from a dilute solution to a concentrated solution through a semi-permeable membrane. Is it clear? Dilute solution का मतलब solvent ज्यादा। जो solution dilute है वहां पे सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूट के हिसाब से होती है। ठीक है ना, जब भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताई जाती है वहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बताई जाती है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर? अब इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पे एस्केप करने वाला पार्टिकल सिर्फ सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। तो यानी कि अगर मैं दो सॉल्यूशंस को अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखता हूं तो वहां पे हमें कंपेयर क्या करना है? सिर्फ सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब कि सिर्फ सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूट जो मर्जी डाल दो, जब तक सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, ऑस्मोसिस इक्वल है। Again, it does not depend on the nature of the solute. It only depends on concentration of solute. But it depends on nature of the solvent. Because if solvent ki escaping tendency is zyada hai, it will move faster.
ठीक है, इज इट ओके? अब देखा, ऑस्मोसिस भी वेपर प्रेशर डिपेंडेंट हो गया, एस्केपिंग टेंडेंसी. इज इट क्लियर गौतम गुप्ता जी? ये बेचारा तो सोच रहा था मैं तो मर गया बोल के एस्केपिंग टेंडेंसी. ठीक है, इज इट क्लियर? अब एक बात देखो कि अगर हमारे पास ये सिस्टम्स हैं दो और यहां पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, लेट अस से यहां पर हम प्योर वाटर ले लेते हैं और यहां पे हम कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सी, तो वेरी ऑब्वियसली यहां प्योर वाटर है, इसमें एस्केपिंग टेंडेंसी वाटर की ज्यादा है और इस सॉल्यूशन में कम है, तो यहां से देयर विल बी अ मूवमेंट, नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए टू बी. एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, वो ये कि वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, दोनों होगा, बट द मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी विल बी मोर देन बी टू ए, सो दैट देयर इज अ नेट मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी. ये पूरा याद रखना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है. ठीक है, इट इज अ टू साइडेड मूवमेंट बट द नेट मूवमेंट इज फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? ठीक है, ओके. तो यहां से वॉटर मॉलिक्यूल यहां मूव करेंगे, ओके. अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसे ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, और यहां पर पिस्टन लगा के इसके ऊपर वेट रख देते हैं. अब देखो यहां पे कंसंट्रेशन पोटेंशियल है, यहां हाई कंसंट्रेशन, यहां लो कंसंट्रेशन, देयरफॉर देयर इज अ कंसंट्रेशन पोटेंशियल. यहां पे आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो प्रेशर सारे पार्टिकल्स को इधर धक्का मार रहा है, तो देयर इज अ प्रेशर पोटेंशियल. अब एक प्रेशर हम यहां पर ऐसा लगा सकते हैं कि पार्टिकल की मूवमेंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में बराबर हो जाए, दैट इज द प्रेशर दैट वी हैव अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज एबल टू बैलेंस द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट. ठीक है, दिस प्रेशर विच वी नीड टू अप्लाई ऑन द सॉल्यूशन साइड विच जस्ट प्रिवेंट्स the entry of the solvent molecules or prevents osmosis is termed osmotic pressure. ठीक है, लिख लो डेफिनेशन. द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड on the solution side to prevent osmosis is termed osmotic pressure. ठीक है, वेरी ऑब्वियसली ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जैसे पी होता है ना प्रेशर, यहां पे हम पाई कर देते हैं, है तो ये भी प्रेशर. दिस इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, इट्स अ डिफरेंस. फर्दर दिस इज बाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर्स विच ऑन विच द एस्केपिंग टेंडेंसी डिपेंड्स. ठीक है, और हमने उस दिन कॉन्स्टेंट डिस्कवर किया था ना, इट इज. देखो वो कॉन्स्टेंट यहीं का यहीं आ गया. तो द ऑस्मोटिक प्रेशर इज सी आर टी.
ठीक है, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज इन कंपैरिजन, यहां पे प्योर सॉल्वेंट है और यहां पे सॉल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट है, डिफरेंट सॉल्वेंट्स की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो इस वजह से सॉल्वेंट की नेचर भी यहां कैंसिल हो गई है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल सब्सटेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट हो गया सॉल्वेंट जो मर्जी हो, यानी कि सॉल्वेंट को कोई कैरेक्टरिस्टिक हमें यहां लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपैरिजन है ना, और सिर्फ एस्केपिंग टेंडेंसी का डिफरेंस है, ठीक है। इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हमने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की है, दीज फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर सिंपली डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, कहीं पे मोल फ्रैक्शन है, कहीं पे मोलैलिटी है, कहीं पे मोलैरिटी है, ठीक है, इट सिंपली डिपेंड्स ऑन दैट। तो एक तरह से सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए यूज की जा सकती है, और कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली हम मोल्स ही निकाल रहे होते हैं, मोल फ्रैक्शन में भी मोल्स हैं, मोलैलिटी में भी मोल्स हैं, मोलैरिटी में भी मोल्स हैं, तो वी कैन फाइंड द मोलर मास। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट, ठीक है, लिख लीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज टू डिटरमाइन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, ठीक है। एक फिक्स मास डाल दिया जाता है, उससे हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल देते तो हमें मोल्स पता चल जाते हैं, मास पता है, मोल्स पता है, मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन डिटरमाइन द कॉलिगेटिव, यूज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जो बहुत कम डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉलीमर्स, ठीक है, इनका मोलर मास बहुत ज्यादा है, तो अगर वन मोल सॉल्यूशन बनाएंगे तो इट वुड बी समथिंग लाइक 30 केजी इन 1 लीटर ऑफ वाटर, जैसे हीमोग्लोबिन। फॉर पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज द आइडियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू बी यूज्ड। अब एक चीज देखो, यहां पर कंसंट्रेशन वन कर दिया जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर विल टर्न आउट बी 22.4 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो देयर इज अ ह्यूज मेजरेबल डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। तो जब भी पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स के मोलर मास डिटरमाइन करने की बात होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज ऑलवेज यूज, ठीक है, क्लियर। और इसमें एक और एडवांटेज भी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, यहां पर जब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की जाती है तो वी डोंट हैव टू चेंज द टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। बहुत सारे पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे जिनका टेम्परेचर के साथ साथ नेचर बदलता चला जाता है, तो यहां पर टेम्परेचर हमें कॉन्स्टेंट रखना है, वी कैन डू इट ईजिली, ठीक है, इज इट क्लियर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, कैम्फर। कैम्फर इज जनरली यूज एज अ सॉल्वेंट टू डिटरमाइन द मोलर मासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें सीधा सीधा फैक्ट है। कैम्फर का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट KF इज 50, तो विद अ स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन काफी स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैम्फर इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैम्फर में सॉल्युबल नहीं होंगे, वी हैव टू मेक अ सॉल्यूशन,
Is it clear? Fine. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है. लेट अस से हम पानी में सोडियम क्लोराइड को डाल देते हैं. अब सोडियम क्लोराइड हमने पानी में डाला एक मोल और हमने उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटरमाइन करनी शुरू कर दी. अब प्रॉब्लम यह है कि सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की मेजर करेंगे वो 1 मोल के हिसाब से नहीं आएंगी, वो 2 मोल के हिसाब से आएंगी. उसका सिंपल सा रीजन ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉट द नेचर ऑफ पार्टिकल. और सोडियम क्लोराइड पानी में जाके डिसोशिएट करके दो आयंस बना देता है, सोडियम एंड क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड 2 आयंस की तरह बिहेव करता है और हमें अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी. नाउ दैट अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स डिसोसिएटिंग और एसोसिएटिंग इन अ सॉल्वेंट. ठीक है, तो हम एक फैक्टर डिफाइन कर देते हैं. दिस फैक्टर इज आई, दिस इज कॉल्ड वैन ऑफ फैक्टर. ठीक है, वैन ऑफ फैक्टर इज observed colligative property by theoretical. It is observed colligative property by theoretical colligative property. ठीक है, अब जब हम colligative property measure करते हैं तो हम measure क्या करते हैं? Concentration, molarity, molality, mole fraction, concentration ही तो है. तो it is observed, ऊर्जा concentration divided by expected concentration. ठीक है, इन सब में मेजर क्या कर रहे हैं? मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स. तो इट इज observed number of moles divided by moles of solute actually added. ठीक है, so this would be called observed moles of particles. Per mole of solute यही हो गया ना फॉर्मूला. ठीक है ना, देख लो कोई लैंग्वेज में गड़बड़ तो नहीं लग रही, क्योंकि मैं अभी इसको यूज करने वाला हूं तो पहले समझ लो इसको, कंफ्यूज मत हो इसमें. दिस मीन्स दिस, डिनोमिनेटर में जो भी हम रखते हैं वो 1 बन जाता है क्योंकि उसके पर यूनिट पे आ जाता है सब कुछ. ठीक है, नाउ नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय मोलर मास. So this is mass by observed molar mass upon mass by actual molar mass. ठीक है यहां तक. अब यहां देखो, ये मास तो हमने ऐड किया, ये तो वही है. दिस इज इक्वल टू एक्चुअल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास.
देखो सब में इट इज ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल, इसमें इट इज थ्योरेटिकल बाय ऑब्जर्व. रीजन देख लिया. इज दैट क्लियर? अब छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. लेट अस से हमारे पास है NaCl. नाउ NaCl इन वॉटर डिसोशिएट्स टू गिव Na प्लस प्लस Cl माइनस. ठीक है, मैंने जानबूझ के इक्विलिब्रियम एरो लगा दिया, वैसे ये कंप्लीटली डिसोशिएटेड होता है. अब यहां पर लेट से वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड था, इसमें से अल्फा डिसोशिएट हो गया, तो इसका अल्फा बन जाएगा, इसका अल्फा बन जाएगा. ठीक है, वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर हम डालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स दैट वी ऑब्जर्व एट इक्विलिब्रियम विल बी वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, नाउ वन प्लस अल्फा इज द नंबर ऑफ मोल्स दैट वी ऑब्जर्व पर मोल ऑफ द सॉल्यूट एडेड. ठीक है, क्लियर? अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोडियम आयन पॉजिटिव है और क्लोराइड आयन नेगेटिव है, मेरे लिए ये सिर्फ दो पार्टिकल्स हैं. तो आई कुड सिंपली राइट NaCl टू बी A2, टू सिग्निफाइंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इट डिसोसिएट्स इनटू. ठीक है, तो A2 इज गोइंग टू बी गिविंग मी 2A. ठीक है, वन में से अल्फा जाएगा, टू अल्फा बन जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास है K2SO4 तो इसको मैं A3 लिख सकता हूं. ठीक है, और अगर मेरे पास K4FeCN6 है तो मैं इसको A5 लिख सकता हूं. तो मैं एक जनरल लिख देता हूं AN, वेयर N सिग्निफाइंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इट डिसोशिएट्स इनटू इन सॉल्यूशन. पॉजिटिव नेगेटिव आई एम नॉट बॉदर्ड. ये बनाएगा N ऑफ A. इक्विलिब्रियम बना देते हैं, अल्फा गया, एन अल्फा बना, तो वेंटा फैक्टर इज वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा. दिस इज द रिलेशन ऑफ द वेंटा फैक्टर विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो ये तो था एक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जो डिसोशिएट करता है. अब हमारे पास एक और एग्जांपल हो सकता है. लेट्स से वी हैव एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड एक पिक्यूलियर सी चीज है. अगर पानी में लोगे डिसोशिएट करेगा, बेंजीन में लोगे एसोशिएट करेगा. बेंजीन में ये डायमर बनाता है, तो ये फॉर्म करेगा CH3COOH ट्वाइस. ठीक है, अब यहां पर इसका हो जाएगा वन माइनस अल्फा और यहां पे बन जाएगा अल्फा बाय टू.
हमें इससे मतलब नहीं है डिसोसिएट या एसोसिएट, हमें इससे मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने हैं, दैट इज वन टॉप फैक्टर, ठीक है, इतना जिस एसोसिएट हुआ इतना बन गया, तो वी गेट वन टॉप फैक्टर एज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है। अगर मेरे पास एक पार्टिकल है ए, ये बना देता है 1 बाय एन ऑफ ए एन, देख रहे हो, सो आई वुड गेट 1 माइनस अल्फा अल्फा बाय एन, वन टॉप फैक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, दिस इज फॉर एसोसिएशन एंड दिस इज फॉर डिसोसिएशन, एज इज वेरी क्लियर, डिसोसिएशन में वन टॉप फैक्टर 1 से ज्यादा होगा, एसोसिएशन में वन टॉप फैक्टर 1 से कम होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वन टॉप फैक्टर इनटू थ्योरेटिकल, ठीक है। पहला था वेपर प्रेशर लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। थ्योरेटिकल वैल्यू इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, तो हमारे पास इक्वेशन आती है दैट ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वन टॉप फैक्टर इनटू थ्योरेटिकल, ठीक है। तो ऑब्जर्व डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू वन टॉप फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्लियर। द ऑब्जर्व लोवरिंग इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू वन टॉप फैक्टर इंटू थियोरेटिकल के ई लिखूं बी लिखूं, ई लिख देता हूं, ठीक है। द ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू वन टॉप फैक्टर इंटू के सी एम सी, ठीक से, ठीक है। एंड द ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू वन टॉप फैक्टर इंटू सी आर डी,